आपको मरी के व्यूज दिखाएंगे। माल रोड के ऊपर हम निकल गए, शाम तैयार हो गए जी, कॉफी पी रहे हैं। लेकिन यहाँ ठंड बहुत है, कोरोना कैसी है, दिन निकला हम लोगों ने पिक्चर्स खिंचवाई। आई लव मरी। चल गए हम मरी के लिए इस्लामाबाद। हमने जो हमारे काम थे, जो घूमना फिरना था, वो सब कर लिया। मरी के लिए निकल गए, अब आपको मरी के व्यूज़ दिखाएंगे। ठीक है, पहले मरी वालों को बाराकोह से जाना पड़ता था, अब जो है बाराकोह बाईपास बना दिया गया है, जिसकी वजह से बहुत सहूलत हो गई है। और ये देख रहे हैं आप, सीधा बाराकोह जा रहा है, और ये उनके हाथ पर बाराकोह बाईपास से रोड गुजर रहा है। तो ये बहुत सहूलत हो गई है, और इससे हम बहुत जल्दी तेज़ी से पहुँच जाएंगे। ये आपको रोड दिखाते हैं, बड़ा शाइनी दिन है मरी का, और बड़ा धूप धूप निकली हुई है, कल बारिश हुई है।
बता रहे हैं कि अब अभी की सूरत हाल आप देख रहे हैं। तो नीचे देखें जनाब किस तरह की दुनिया, और वो सामने से मरी व्यू सारा देखो आ रहा है। हमने गाड़ी खड़ी कर दी है बड़ी ख़तरनाक जगह पे। जहन कह रहा है यार ये कहाँ खड़ी कर दी। मैं बोला नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जब ड्राइवर ही खुद गलती करेगा तो खाई कितनी ही दूर क्यों ना हो, और फिर ड्राइवर ही लेके जाता है खाई में गाड़ी को, गाड़ी खुद ब खुद नहीं जाती, कोई मसाइल करते हैं तो जाते हैं। ये देखें कैसी खाई सामने देख रहे हैं। अगर गाड़ी ने मिस्टेक की ज़रा सी, अनकंट्रोल गाड़ी हुई, गैप से निकल के नीचे अल्लाह ना करे आ सकते हैं। आप देखें ऊपर से, वो देखें स्लाइडिंग, ऊपर होटल्स बने हैं, पता नहीं क्या है। बहरहाल कोल्डिंग शोल्डरिंग पिला रहे हैं भाई, उनको फंटा पिला रहे हैं। थोड़ा सा मरी के रास्ते जिगजैग हैं, जिसकी वजह से ना उन मतली होने लगी। वाइट मैं खोल रहा हूँ, इसके अंदर गैसेज होती है, क्या होती है, इन्होंने हिलाई और हिलाने के बाद तो ये है भैया बात के थोड़ा जिगजैग के रास्ते हैं ना, उसकी वजह से वाइफ को बच्चों को तो नहीं होती, लोगों को तो नहीं होता, थोड़ा सा मतली होती है। कोई बात नहीं, कोल्ड ड्रिंक चला दी। ये माल रोड के ऊपर हम निकल गए, शाम के 5:45 के करीब का वक्त हो रहा है। हमने सोचा यार थोड़ा सा बाहर देख कर आए, आए थे यहाँ पर 2:30 के करीब, कमरा ले लिया था, और उसके बाद जो है हमने कहा यार रेस्ट करें थोड़ा, सफ़र की भी भले वो 1.5-2 घंटे का हो, थकान होती है। तो अभी हम माल रोड का देखने जा रहे हैं कैसा माहौल है, क्या मंज़र है। यहाँ पे बैठी हुई ये खा रही हैं चाट और कह रही हैं उसके बाद मटका चाय पीऊँगी। मटका चाय वगैरह कॉफ़ी सब कुछ यहाँ पर है, सर्दी हो रही है, मैंने सोचा कॉफ़ी पीऊँ, एक कप बनवा के कॉफ़ी बनाने गया है वो। तो दिखाते हैं और पता नहीं कहाँ चला गया। ये इनका कॉफ़ी का सेटअप देखें, ये देखें ये भाई भागा हुआ लेकर आया है। आपका क्या नाम है? सनी जनाब इनका नाम है, इन्होंने कॉफ़ी का स्टॉल है इनका। ये देखो ये कॉफ़ी कैसे बना रहे हैं। तो सर्दी के अंदर ना इसकी बड़ी वैल्यू होती है, मरी के अंदर इसका अपना ही मज़ा है कॉफ़ी पीने का। बाकी मटका चाय पीने को कह रही हैं समरीन, अभी देखते हैं मटका चाय वगैरह कहीं से मिल जाती है तो ठीक है, वरना फिर वो भी मेरे ख्याल से कॉफ़ी पिएगी।
ये तैयार हो गई जी कॉफ़ी। ये ले जी कॉफ़ी पी रहे हैं, और ये समरीन को भी दो कप लाया, आधा कप मैंने आधा इसमें से दे दिया कि आप भी टेस्ट करें। वैसे ये मटका चाय पीने को कह रही है, मैंने बोला चलो यहाँ एक्सपीरियंस कर लें कैसी होती है पता नहीं। बच्चे जो है ना यार, बच्चे हमारे बस ठंड उनको बहुत लगती है, ठंड के मारे वो बाहर नहीं आए, लेकिन रात को उनको निकाल के लाएंगे। कॉफ़ी वाला बता रहा था कि रात को परसों झालाबारी हुई है और बड़े ज़बरदस्त ओले पड़े हैं, उसके बाद से ये ठंड हुई है। बच्चों को निकाल के ले आया मैं और इनको तैयार ले आया कराया हमने। यार आ जाओ बाहर आओ, थोड़ा सा घुमा के आए, सो रहे थे लेटे हुए थे, आपको दिखाया मैंने कम्बल में। हम तो घूमते फिरते वहाँ, बच्चे सोते रहते हैं वहाँ, घूमने फिरने आई है सोने आई है, नहीं घूमने फिरने आए। हम तो समझते हैं यहाँ ठंड नहीं होगी, लेकिन यहाँ ठंड बहुत है। हाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत रौनक है यहाँ पे, और ऐसा लग रहा है जैसे दिन निकला हुआ लोगों का, हजूम उसी तरह ही है, दिन में था वैसे रात में भी ऐसी होती है। I love मरी। सबसे ज़्यादा जो इन्जॉय है ना, वो इस बार उमामा ने बहुत इन्जॉय किया, और इन्जॉय करते करते नाइमा को भी बहुत मिस किया, और इंशाल्लाह नाइमा आएंगे, आपको लेकर आएंगे फिर।